का भाई आज लंबे राइड पे भाई सफर का जारी है अपना प्रतीक भाई के साथ। पारस भाई अपने साथ में है इस समय, मुकेश रूट अब तीनों भाई मिले हैं, दीपक भाई भी अपने साथ में। तो भाई काफ़ी अच्छा रूट है जिस रूट से अभी निकल रहे हैं, और पूरा जंगलों के बीच काफ़ी घना जंगल है भाई, मुक्तेश्वर वाला रूट है, बीच में शॉर्ट मार रखा है। और टूरिस्ट फोर व्हीलर से चेकिंग होती है यहाँ पे, फोर व्हीलर से मतलब यहाँ पे आधार कार्ड दिखाना होता है अगर फोर व्हीलर लेके आओ तो। यहाँ पर टू व्हीलर लेके आए हम लोग, तो यहाँ पर कोई आईडी वाईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको पास मिल गया था भाई जाने की। उत्तराखंड देवभूमि में अपना भाई मुक्तेश्वर वाले रूट पे है, जंगल के बीच पूरा मनाली है भाई, पूरा पूरा स्विट्जरलैंड है अपना, तल्ला रामगढ़ है, मुक्तेश्वर पूरा स्विट्जरलैंड ही है अपने लिए। तो कैसा भी बार है भाई, ठीक है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। कर रहे हैं तीनों भाई इसके तो काम है, वैसे कुछ कोई भी जानवर मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, तो अपनी सेफ्टी अपने आप कुछ भी नहीं है हमारे पास सेफ्टी के लिए, केवल हमारे पास हाथ पाँव है अपनी सेफ्टी के लिए, ये चला सकते हैं। पारस भाई के साथ आए हैं तो कोई रिस्क नहीं है, पारस भाई काफ़ी लीडर है, हाँ राइडर है बिल्कुल, गाड़ी स्लिप कराने के लिए जानवर भी भाग जाएगा, गाड़ी गाड़ी स्लिप कराएंगे जब तो स्टंट मारेंगे तो यहाँ से मुक्तेश्वर आ जाएगा भाई। ये चौकी है बाबा का स्थल भाई, थाईलैंड जा रहे हैं हम अभी, थाईलैंड पहुँचने वाले हैं, थाईलैंड रुक रहे हैं हम, चाय पानी करेंगे कुछ यहाँ पे, कुछ ले रहे हो भाई? सामने दुकान है, कुछ ले लेते हैं खाने पीने का। तो गाइस आपका भाई आ गया है इस रूट पे भाई, पूरी गवर्नमेंट की जगह है भाई, ये पूरी गवर्नमेंट एरिया है, यहाँ पर सब कुछ किराए पर चल रहा है भाई, लोगों ने यहाँ पर किराए पर ले रहे हैं भाई, दुकानें खोल रही हैं, बड़ा अच्छा बना रखा है टूरिस्ट प्लेस। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? भोले बाबा के मंदिर पर जा रहे हैं भाई, इसमें चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया है हम तीनों भाई ने मिनट में पहुँच जाएंगे। तो भाई पारस भाई भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे बता रहे पारस भाई। भाई मंदिर आने वाला है, यहाँ पे बैठने की सुविधा है, थक गए दोस्त लोग तो थोड़ा हम भी बैठ जाते हैं। आज तो हमने कुछ भी नहीं सोचा था गाइस, हमने घर से मंदिर वंदिर आने का, तो भाई हम मंदिर पता नहीं कैसे आ गए अचानक से, बाबा जी का बुलावा, पारस भाई ने बनाया सीन, बोले मंदिर मुक्तेश्वर जा रहे हैं, तो मुक्तेश्वर आने का मतलब है भाई फिर मंदिर तो आना ही है, खाली रोडों पे घूमना तो बेकार है, तो आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं भाई। तो दोस्तों हम पहुँचे हैं अभी महादेव के स्थल मुक्तेश्वर मंदिर पर, मंदिर यहाँ पर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, सामने ही मंदिर है गाइस, जूम करा देता हूँ एक बार, फिर यहाँ से सीधे आगे बढ़ेंगे, मंदिर आ जाएगा मेन मंदिर। पारस भाई थक गए, चलें, चलो फिर हर हर महादेव, आ जाओ गाइस चलते हैं, हाथ पांव धोते हैं फिर करते हैं पूजा पाठ, जय हो। बारह नंबर का ब्लॉक शूट हो रहा है इसमें, मुक्तेश्वर मंदिर काफी पुराना बोर्ड हो गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुक्तेश्वर मंदिर लिखा हुआ है साहब। तो भाई एक बार जूम कर लेते हैं, मंदिर आने वाला है, मेन मंदिर पहुँच गए, देखेंगे जूते उतारने की जगह कहाँ पे है, सामने ही है, यहाँ पर भी प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं मंदिर चढ़ाने के लिए। तो मंदिर में प्रवेश कर लिया है फाइनली, हर हर महादेव, घंटी यहाँ पे छोटी छोटी है, बढ़िया बज रही है घंटी, तो
काफी बड़ी एरिया में है भाई मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर हम पहुंच गए फाइनली। मैं यहाँ बहुत पहले आया था, 4 या 5 साल पहले आया हुआ था यहाँ पे। हाँ याद आ गया भाई, 4 या 5 साल पहले आया था मैं यहाँ पे, 4 साल पहले शिवरात्रि में आया था। भाई बढ़ते हैं मंदिर की ओर। मुक्तेश्वर महाराज जी आश्रम, ये आश्रम की ओर प्रवेश है यहाँ पर से। काफी अच्छी जगह है भाई आगे। हनुमान मंदिर है ये, हमने तो ले लिया आशीर्वाद सभी के लिए। काफी दिल खुश हो गया गाइस यहाँ पे आके। बजरंगबली का मंदिर दिखाई दिया और काफी खुशी मिली है इस समय। यहाँ पे काफी श्रद्धालु आए हुए हैं। मुक्तेश्वरी महादेवी शक्तिपीठ इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, सामने बोर्ड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे पुजारी जी हैं सामने बैठे हुए, तिलक पिठिया लगा रहे हैं, एक बार पिठिया हम भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ मेन मंदिर में शिवलिंग के दर्शन कीजिए। पुजारी जी को प्रसाद देते हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे। तो बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, आप लोगों ने भी कर लिए हैं गाइस। एक बार और करा देता हूँ आपको बाबा जी के दर्शन। काफी दिल खुश हो गया यहाँ पे आके और अचानक से प्लान बनाया मंदिर आने का। गेट बंद है, बाहर से दर्शन हो रहे हैं। काफी भीड़ भी है यहाँ पर, श्रद्धालु आए हैं बाहर से। तो यहाँ पे भाई हमारे लोकल के श्रद्धालु कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बाहर से ज्यादा श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, काफी दूर दूर से आए हैं। माता रानी चुनिया बांधी है यहाँ पे काफी ज्यादा हर पेड़ में, और यहाँ पे परिक्रमा भी होती है चारों ओर मंदिर के, चारों ओर परिक्रमा भी है यहाँ पे, कर सकते हैं मन से जो बंदा करे यहाँ पे, मन से कोई भी यहाँ पे बात कर सकता है परिक्रमा। और यहाँ पे गाइस काफी अच्छा है व्यू, यहाँ से सेल्फी लेने के लिए तो बहुत प्यारा जगह है ना, बहुत प्यारी जगह है। आप लोगों को कैसा लगेगा ये बता दो। हमारा तो घर जैसा है, महादेव का घर और हमारा घर एक बराबर है भाई, रात दिन आ सकते हैं यहाँ पे हम। फिर भी हम टाइम निकाल के आ गए हैं आज। पारस भाई आपने बनाया था सीन, ये मिलते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं तो खुद ही पूजा कर लेते हैं, खुद ही पूजा कर लेते हैं, आप लोग शूट करो ठीक है। काफी चीजें लेके आए हैं, बेल पत्री है इसमें, धतूरा भी है, फूल भी है, अगरबत्ती भी है, नारियल भी है, तो सब कुछ चढ़ाते हैं बाबा जी के, पूजा करते हैं। नीचे है, नीचे आ जाओ, नीचे है। तो गाइस पुजारी जी से करेंगे पूजा शुरू। गेट में ताला लगा हुआ है तो इसलिए अंदर जाके पूजा भी नहीं कर सकता, सूट भी नहीं कर सकता। बाबा जी के स्थल पे सभी सूट और सामने उधर काफी भक्त लोग हैं, काफी मजे ले रहे हैं भाई सामने पहाड़ के खड़े पत्थर में, काफी बंदे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से।
ही गए आज। हेलो दोस्तों, तो यार अब तो जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, लेट भी हो रही है बट घर भी जल्दी जाना है, अब जा नहीं पाएंगे जल्दी, मन ही नहीं कर रहा है जाने का यहाँ से। पारस भाई अपने बैठ गए हैं बढ़िया महादेव के स्थल पे। तो भाई प्रसाद तो हमने ऊपर मंदिर में रख दिया है, अंदर तो वहाँ एक जगह ऐसी है भाई, वहाँ पर अंदर वीडियो भी शूट नहीं कर सकते, अंदर बाबा जी बैठे थे, भाई हैं तो मना कर रहे हैं, अंदर शूट नहीं कर पाते वीडियो। काफ़ी खुशी हुई यहाँ पे आके, 4 या 5 साल बाद आ रहा हूँ आज मैं मुक्तेश्वर मंदिर। टीका लगवा लेते हैं पुजारी जी से, क्या पता हमारा भी बड़ा पार हो जाए। नमस्कार पंडित जी, मुक्तेश्वर मंदिर से जा रहे हैं बाबा जी के धाम से दर्शन करके। आप लोगों ने गाइस कर लिए दर्शन, तो काफी श्रद्धालु आए हुए हैं बाहर से, यहाँ पर लोकल के श्रद्धालु बहुत कम हैं, बाहर के श्रद्धालु ज्यादा हैं गाइस। दोस्त लोग चल रही हैं नीचे मंदिर से, नीचे चले गए हैं काफी, मैं भी जा रहा हूँ, रखा है मेरे को सब उसी में बांट लेंगे। लेके आया हूँ थोड़ी दिल से, अंदर से प्रसाद लेके आया हूँ भाई, सब पॉकेट में रख। हर हर महादेव, तीनों भाई आ गए हैं भाई टीका, और रास्ते में काफी है भाई खाने पीने की, जूस जिंदा भाई जूस, मौसमी का संतरे का जूस। पैसे नहीं है मेरे पास तो तुम पिलाओ, पिला लो भाई, मैंने प्रसाद लिया था बाबा जी के लिए, तुम जूस पिलाओ, जूस पिला लो भाई, जूस पिला लो भाई, जूस। तो भाई लोग पीने कौन जूस पिलाएगा आज, बैठिए। तो भाई रास्ते में मौसमी का जूस, बिस्लरी भी रखी है, किनली वाटर भी रखा है, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग सोडा भी है, नीचे भी एक शॉप है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पे आज आपका भाई शूट कर रहा है सीता रामगढ़ हसीन वादी हूँ मैं, रविंद्र जोशी ब्लॉग, दीपक जोशी जी के साथ में मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पे पेड़ यहाँ पे साफ नहीं आ रहा है, पेड़ों को धुंधला धुंधला आ रहा है, कभी कभी वीडियो जूस पिला ले यार, भाई यार दीपक भाई हमें जूस पिलाएंगे भाई, हमें जूस पिलाएंगे अपने दीपक भाई और प्रतीक भाई है साथ में, पारस भाई मैगी पॉइंट का ऑनर हमारे साथ में आ जाए तो क्या कमी है भाई, सेठ आदमी आए हुए दोनों। बाबा जी के स्थल पे भाई कितना प्यारा मजा आ रहा है इस समय, और यहाँ मौसमी का हमारा जूस बन रहा है माल्टे का, जल्दी पीते हैं जूस, हमारा जूस रेडी हो रहा है। तो वैसे हमारा जूस हो गया तैयार, माल्टे का जूस है ये, हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर होता है ये, जूस पी रहे हैं, पूरा जूस भी है, पी रहे भाई, एनर्जी आ जाएगी इससे पी के। घर में हम लोग इसे खाते हैं नमक लगा के मालटे को ना, मालटे का जूस मौसमी संतरे से भी टक्कर का है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीज है, शुगर फ्री है ये मालटे का जूस। फ्रूट का हमारे में माल्टा ही बोलते हैं, बाहर पता नहीं क्या बोलते हैं, माल्टा ही बोला जाता है, काफी मीठा हो रहा है जूस, कोई इसमें चीनी मिलावट भी नहीं है फिर भी मीठा हो रहा है। तो दोस्तों आ गए हैं यार माल्टे का जूस पी के, काफी एनर्जी भरा, तीनों भाई काफी एनर्जी से भर गए हैं भाई जूस पी के, तो माल्टे का जूस। हमारे घर भी बहुत ज्यादा माल्टे हो रहे हैं, कल से रोज खाऊंगा यार, बहुत एनर्जी मिल रही है खा के। तो माल्टे काकू है, सीताफल है, खाने पीने की सुविधा है, मुक्तेश्वर महादेव जी की कृपा लिखा है बोर्ड में, मोहनदा ढाबा, यहाँ पे मोहनदा का पहाड़ी ढाबा है। जय श्री राम, नमस्कार, काफी प्यारा स्वादिष्ट खाना मिलता है यहाँ पे, पहले भी खाया हुआ है यार, हमने याद आ रहा है मुझे, मेरा ब्लॉग बढ़िया मैगी खाएंगे भी, मैगी भी बनती है, और ये हमारे माल्टे भाई हमारे घर में भी होते हैं, ये पहाड़ों में काफी औषधि भरा फल है ये माल्टे का जूस। यहाँ पे देखो काकू, ये बड़ुआ काकू बोलते हैं इसे वैसे, तो भाई खाते हैं थोड़ी देर में, भूख अभी कम लगी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब कर देना। तो भाई हम